गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम टीवी रिमोट को रिपेयर करके दिखाने वाले हैं आपको। ये हमारा टीवी का रिमोट है जो कि ख़राब हो चुका है। हमने इसे में नए सेल डाले हैं लेकिन फिर भी चल नहीं रहा है। इसे टीवी के चैनल चेंज नहीं हो रहे हैं। ये हमारा नया रिमोट है, इसे देख लीजिए चल रहा है, जो कि हमने इसके फर्स्ट भाग में बताया था आप लोग को। इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी, उसमें इस तरह अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करके आप इसे चेक कर सकते हो कि रिमोट चालू है बंद है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस रिमोट को हम क्या करेंगे, इसको खोल कर देखेंगे और इसे पूरी तरह रिपेयर करके बताने वाले हैं। वीडियो में एक भी कट नहीं है दोस्तों, पूरा लाइव शूट किया हमने इसे। और देख लीजिए चल नहीं रहा है, इसकी जो बल्ब है वो चल नहीं रहा है दोस्तों। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटे को जरूर दबाएँ, जिससे हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। देख लीजिए दोस्तों, ये दोनों नए सेल हैं और हमने इसे अभी अभी डाल के देखा है सेल, तभी चल नहीं रहा क्योंकि रिमोट बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। ये इसकी जो प्लेट होती है दोस्तों, उसमें जंग आ जाता है, ख़राब हो जाती है वो प्लेट, इसीलिए उसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे हम। और ये तरीका है जो कि 100% वर्क करेगा अगर आप भी अपने घर पर ऐसे ही ट्राई करते हो दोस्तों। तो इसे सबसे पहले हम खोल लेते हैं और उसके बाद हम इसे रिपेयर करके देखने वाले हैं दोस्तों। गाइस सबसे पहले हम इसे खोल रहे हैं, लेकिन ये पूरी पैकिंग है इसलिए आराम से खोल रहे हैं इसे। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ये टूट भी सकता है रिमोट। और दोस्तों ये हमारे वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो। अगर इसे डाउनलोड करना है आपको तो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री है, बिना कॉपीराइट के। ऐसे ही आप बहुत सारे म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें भी है, साउंड भी है, जिसे भी आप अपने वीडियो में डाल सकते हो दोस्तों, बिल्कुल फ्री। आप अगर दूसरी जगह से डाउनलोड करते हो तो वहाँ से कॉपीराइट आ सकता है, क्लेम आ सकता है आपके लिए। तो इसलिए आप ऑडियो लाइब्रेरी से ही डाउनलोड करके जो भी करना है आपको म्यूजिक। देख लिए दोस्तों, इसे हम खोल रहे हैं, वैसे खुल नहीं रहा है। देख लिए दोस्तों, इसे हमने खोल लिया है, कुछ मिनट के लिए स्किप किया था हमने वीडियो को और इसे खोल लिया है दोस्तों। आप भी अपने रिमोट को आराम से खोल लीजिए। अगर उसमें पेच के स्क्रू होते हैं दोस्तों, स्क्रू लगे नहीं होते हैं, कम ही रिमोट में लगे होते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल पैकिंग आता है, देख लीजिए इसकी जो प्लेट है इसको देख लेते हैं हम। इसमें जंग आ चुका है दोस्तों, ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ था रिमोट, इसलिए ख़राब हो चुका है। देख लीजिए आप, हल्का हल्का इसमें रिमोट वो दिखा है, दे रहा है दोस्तों, जंग आ चुका है, जो कि बहुत दिनों तक पड़ा हुआ था रिमोट, इसीलिए जंग आ चुका। तो हम इसे रिपेयर करने वाले हैं और आपको बताएंगे रिपेयर करके, इसे चालू करके भी ये वर्क करता है दोस्तों। इस तरीके से आप भी अपने घर पर रिपेयर कर सकते हो, आपके भी अगर कोई भी रिमोट ख़राब हो चुका है तो दोस्तों। और इसे हम रिपेयर करने वाले हैं दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो जिस तरीके से आप भी अपने घर पर रिपेयर कर सकते हो। हम लेंगे एक ब्रश लेंगे दोस्तों, जिससे हम टूथपेस्ट मंजन करते हैं दोस्तों। और ये है हमारे पास केरोसिन, देख लीजिए ये केरोसिन है दोस्तों। इस केरोसिन की मदद से इसे हम साफ करेंगे। और इसी केरोसिन की, अगर आपके पास केरोसिन नहीं है तो आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो इसकी वजह से हम इस पर लगाकर ब्रश की सहायता से इसका जंग को हटाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता ही होगा दोस्तों केरोसिन की मदद से जंग हट जाता है दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी लोहे की सामग्री है, उस पर जंग आ चुका है दोस्तों, तो आप केरोसिन में कुछ समय तक डाल के रखें, कुछ ही घंटों में उसका जंग हट जाएगा। आप उसे धो के, जैसे बेरिंग है, ये ऐसे कुछ भी चीज़ें दोस्तों, तो उसे आप साफ़ कर सकते हो उसके जंग को। देख लिए दोस्तों, इसे हम आसानी से साफ़ कर रहे हैं। आप भी अपने घर पर ऐसे ही आराम से इसे साफ़ कर सकते हो। ब्रश से रगड़ने पर क्या होता है दोस्तों, इसका जो जंग होता है वो हट जाता है, देख लीजिए आप, और ये वापस वर्क करने लग जाता है। अगर हमारी ये जो प्लेट है दोस्तों, ये टूट जाती है तो इसे रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है, ये टूटने के बाद रिपेयर नहीं हो सकती है। देख लीजिए दोस्तों, ये टूटी हुई नहीं है, ये बस जंग की वजह से ख़राब हुई है और कुछ नहीं हुआ इसमें। तो हम इसके जंग को रिमूव कर रहे हैं दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और आपके लिए हम डेली इसी टाइम पर रोज़ डेली नई वीडियो लेकर आते हैं दोस्तों। तो कमेंट जरूर करना आप वीडियो में।
ये हम सेल लगाते हैं वहाँ पे भी, इससे रगड़ लेते हैं दोस्तों ताकि वहाँ से भी जंग अट जाए। सबसे पहले दोस्तों अगर आपका टीवी का चैनल ये रिमोट है जो टीवी चैनल चेंज नहीं कर पाता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इसका जो सेल होता है दोस्तों उस सेल को ही नए डालना पड़ता है। अगर नया सेल डालने के बाद भी ये नहीं चलता है दोस्तों तो उसके बाद आपको रिपेयर करना होता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो आगे का बल्ब होता है अगर वो भी टूट जाता है दोस्तों तब भी ये वर्क नहीं करता है, तो बल्ब का भी ध्यान रखें दोस्तों। LED लाइट लगी हुई है इसमें आगे, उसका एक तार है, मान लीजिए तार टूट जाता है तब भी ये वर्क नहीं करेगा, तो सबसे पहले उसे देखें उसके बाद आप इसे रिपेयर करें। मान लीजिए आप डायरेक्ट इसे रिपेयर करने लग जाओ, LED बल्ब का एक तार टूटा हुआ है, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो दोस्तों पहले आप चेक करें हर चीज़ को, उसके बाद इसे रिपेयर करें। हमने इसे अच्छी तरह साफ कर लिया, देख लीजिए इस पर जो जंग आया था वो बिल्कुल हट चुका है दोस्तों। इसके बाद हम इसे फिट कर रहे हैं, फिट करके आपको चला कर दिखाएंगे, ये वर्क करता है तरीका बिल्कुल, और इसमें कोई भी फेक वीडियो नहीं है दोस्तों। हमारे चैनल पर आपको एक भी फेक वीडियो नहीं मिलेगी, देख लीजिए दोस्तों। ये सिंपल सा तरीका है रिमोट को ठीक करने का, और अगर आप भी रिमोट को दोस्तों ठीक करना चाहते हो तो इसी तरह अपने रिमोट को ठीक कर लेना दोस्तों, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक करने में। तो देख लीजिए हम इसके बटन को लगा देते हैं, वापस फिट कर देते हैं दोस्तों, जैसा भी हमने खोला था उसी तरीके से हम इसे वापस फिट करने वाले हैं। और अगर आपको सबसे पहले दोस्तों रिमोट को चेक करने के लिए अपने मोबाइल को कैमरा ऑन कीजिए, उसके बाद उसमें इसका रिमोट का बटन दबाइए। इसका अगर LED बल्ब जलता है तो आपका रिमोट सही है, नहीं जलता तो ख़राब हो चुका आपका रिमोट। देख लीजिए इसकी LED काम कर रही है, ये चल रहा है, इसका मतलब है हमारा रिमोट है जो कि बिल्कुल रिपेयर हो चुका है दोस्तों। ये जो LED बल्ब की लाइट है दोस्तों ये हमारी आँखों से नहीं दिखाई देता है, इसकी लाइट सिर्फ कैमरे में दिखाई देती है, क्योंकि आपने भी अगर कोशिश की होगा घर पे आपको पता होगा दोस्तों इसकी लाइट हमें ऐसे नहीं दिखाई देती है। हम जब कैमरे में ऑन करते हैं, इसे कैमरा ऑन करके देखते हैं तब इसकी लाइट दिखाई देती है दोस्तों। ये हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका था रिमोट। अगर हम इसे मार्केट में लेने जाते हैं दोस्तों तो ये 100-150 रुपये का नया आता है दोस्तों, आपके भी पैसे बच जाएंगे। तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, कमेंट करना।